हेलो गाइस, तो आज फिर हम चल दें कहीं घूमने के लिए। आज तारीख है, कितनी तारीख है आज नीरज? कितनी तारीख है आविश? है तो कुछ तो है, कुछ तो है। 24 अप्रैल 2022। तो अभी हम जा रहे हैं वर्ल्ड वॉचिंग के लिए कहीं थोड़े पास में। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ही होगा, घूमने फिरने वाला ही। तो हाँ, चिंटू को भी बाय बाय, मिलते हैं चिंटू। ओके मित्र, तो चलते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। गए थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि ट्रैफिक, रेड लाइट, ये थोड़ी परेशानियाँ रहती हैं इसके बीच में। आई होप कि आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी अच्छे से। बस ये देखो, और गर्मी बहुत है यहाँ। गर्मी बहुत है, इतनी भी नहीं है, राजस्थान जितनी नहीं है। एकदम लू चल रही है, हवाएं चल रही है, गर्मी गर्म हवाएं चल रही है, मेरे पाँव तो जल चुके हैं। फाइनली हम लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। करते मजा, और काफ़ी लोग घूमने आए हैं यहाँ पे, और हमको भी पता नहीं किस साइड जाना है। काफ़ी लोग दिख नहीं रहे फिर अभी आगे, भाई इतनी भी नहीं देखे हैं। हाँ तो हमको वर्ड ना दिखेंगे ना, वो देखना उधर तो ऐसे मेला लग रखा है थोड़ा। हम किधर जाएंगे सीधे चलो, पहले वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे आगे वहाँ पे तो जाएंगे। तो थोड़ा रास्ता ख़राब था, उसके बावजूद हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। अभी इस लेक का मुझे भी नाम नहीं पता, इनसे पूछ के बताता हूँ कि कौन सी लेक है, और कुछ बर्ड्स दिखते हैं कि नहीं दिखते। फ़िलहाल बर्ड्स की जगह इंसान ही इंसान दिख रहे हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं यहाँ का कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत ठीक है वैसे तो, ज़्यादा कुछ। तो ज़रा इस लेक के जो भी है ये ताला वाला, जिस इसके बारे में पूछते हैं। अभीश, तो हम कहाँ पे आए? कासरसाई डैम। अच्छा डैम है, डैम है ये, डैम इतना बड़ा डैम, बस डैम है। अच्छा बस पानी कम है, पानी कम है, पुणे वाले पानी पिए इसका। तो गाइस, अब इन्होंने लेंसेज अपने कैमरे निकाल लिए, और देखते हैं नेशनल ज्योग्राफी में इन्हीं का नाम आएगा अगली बार। आविश गुप्ता है, नीरज बिष्ट, हिमालयन सोल, द ग्रेट हिमालयन सोल। और ये देखो कहाँ पे जा रहे हैं पता नहीं इनमें। हमने भी अपना निकाल लिया है छोटा वाला, पर हमको कुछ दिख जाए जब। और काफ़ी लोग घूम रहे हैं, सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बिजनेस कर लूँ अपना, फोटोग्राफी वाला काम अच्छा बनेगा इधर। तो देख रहे हैं ये कुछ पक्षी वगैरह। तो हम देख रहे हैं कुछ बर्ड्स मिल जाएं, फिलहाल कुछ बर्ड्स मिल नहीं रहे हैं। और चलो हम थोड़ा घूम के आ जाते हैं आगे तक, और देख के आते हैं नज़ारे क्या हैं यहाँ के। फिलहाल तो काई काई जम रही है इधर, और क्या है इतना कुछ ख़ास नहीं है। और ये लोग कुछ फ़ोटोज़ निकाल तो रहे हैं, जैसा कि आपको दूर से दिख रहा होगा क्योंकि मैंने वाइड एंगल किया हुआ है। यही है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर वालों की समस्या, बैठो ऑब्जर्व करो देन क्लिक करो बैठो।
फोटोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, ये मेरा कैमरा नहीं है, नीरज का है। और बस थोड़ी देर में बस सनसेट होने वाला है, फिर उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। कुछ फ़ोटोज़ बेहतरीन आई हैं और कुछ नहीं आई हैं, तो आपको ब्लॉग में दिख जाएंगी। और हमको लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लेंसेज लेके क्या कर रहे हैं हम, तो थोड़ा अलग लगता है पर अच्छा भी लगता है कि हम फोटोग्राफर्स हैं, क्या कुछ अलग कर रहे हैं, लोगों की तरह घूम रहे हैं, पर अच्छी फ़ोटोज़ मिलेगी आपको जल्दी। तो यहाँ पर हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है और हम वापस पीजे के लिए निकलने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्यूटीफुल सनसेट। चलते हैं, चलो चलते हैं पीजे के लिए। काफ़ी अच्छा टाइम रहा हमारा यहाँ पे और काफ़ी बढ़िया कंटेंट मिल गया। तो पहुंच गए आके वापस आके स्टेंजा में आके, बस अब ब्लॉग देखा हो देख लिया तो अब पसंद करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और तो क्या ही बोले, बाय बाय।